दोस्तों आज मैं आपके लिए एशिया के बहुत ही खतरनाक और जानलेवा जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिनके नज़दीक जाना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। हो सकता है कि आप अपनी जान भी गंवा बैठें। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल जाए। नंबर एक, फैटल स्कॉर्पियन। नाज़रीन, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक तीन बिच्छू है जो दुनिया में एशिया के इलाकों में पाया जाता है। इस बिच्छू के काटने की वजह से हर साल हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि इसके डंक में जानलेवा जहर होता है जो इतना दर्दनाक होता है कि इंसान की जान ही निकल जाती है। इनमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो साइज़ में 6 इंच तक बड़े होते हैं और ज़्यादातर भूरे और काले रंग के होते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस जहर के इलाज की दवाई मार्केट में मौजूद है जो आपको ज़िंदा रहने के लिए एक और मौका दे सकती है। नंबर दो, राइनो। इंडिया में पाया जाने वाला ये जानवर दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों में 5वां बड़ा जानवर है। ये इतना ताकतवर होता है कि अगर ये आपको टक्कर मार दे तो आपका वही हाल होगा जो एक ट्रक का दूसरे ट्रक से टकराने के बाद होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े, भारी और ताकतवर और मज़बूत होते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं ये जानवर नज़र आए तो इसकी तस्वीर बनाने से अच्छा है कि आप वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। नंबर तीन, जियांट हॉर्नेट। दोस्तों आप लोगों को ये जान के हैरानी ज़रूर होगी कि ये जियांट मक्खी एक बड़े बैल को भी जान से मार सकती है जो कि साइज़ में सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। ये अपने साइज़ की वजह से ख़तरनाक नहीं होती बल्कि इसके अंदर मौजूद जहर इसे जानलेवा बना देता है। ये मधुमक्खी इकलौते जापान मुल्क में हर साल 30 से 40 लोगों को मार देती है, इसलिए इसके काटने पर फौरन अस्पताल चले जाएं। नंबर चार, कोमोडो ड्रैगन। नाज़रीन, ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो किसी भी चीज़ को खा सकती है जिसमें आप भी शामिल हैं, यानी कि इंसान। ये इंडोनेशिया के लाइजर टापू पर पाई जाती है। कुछ लोग इसे ज़मीन पर रहने वाले मगरमच्छ भी मानते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। ये अपने शिकार को मारने के लिए सबसे पहले इसे काटती है और फिर जब तक इंतज़ार करती है जब तक इसका शिकार जहर की वजह से कमज़ोर ना हो जाए, और फिर ये इस पर हमला करके इसको मार कर खा जाती है। नंबर चार, सलोथ बेयर। ये काफ़ी जहीन लेकिन घुसेल भालू की नस्ल में से है जिसका हमला इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। वैसे ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाते हैं पर ज़रूरत पड़ने पर ये टाइगर को भी हरा सकते हैं। ये ज़्यादातर शिकार की गर्दन पर हमला करते हैं, हालांकि ये भालू काफ़ी सुस्त और आलसी होता है। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में काफ़ी मेहनत लगी है। मेरी इस मेहनत के बदले वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। शुक्रिया।